Hello everyone, welcome to Sai Commerce Academy. My name is Ramakant. I hope कि आप सब अच्छे होंगे. तो friends, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो friend हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. क्योंकि friends, आपको पता है कि हमने NTUGC NET Commerce के लिए 1000 MCQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है. ये आज हमारा लेक्चर 5 है. यदि आपने हमारे प्रीवियस 4 लेक्चर नहीं देखे तो फ्रेंड उन्हें जाकर जरूर देखिए. उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़े हैं, साथ साथ प्रीवियस ईयर MCQ भी इंक्लूडेड हैं. जैसे कि आपको पता है कि हमने 1000 MCQ स्टार्ट कर दिए तो हम 20-20 क्वेश्चन डेली लेकर आ रहे हैं. इसी तरह हमारे 50 लेक्चर लगेंगे, है ना. तो आज के 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हमारे जो 81 से लेकर 90 तक हैं वो हमारे HRM के हैं, और 91 से लेकर 100 तक जो है वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के हैं. ताकि मैंने आपको इसलिए बता दिया पहले ही ताकि आप उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको समझ में भी आ जाए. ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो आइए फ्रेंड, 81 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग इज, आप ही समझ ही गए होंगे कि HRM से रिलेटेड है ना. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग इज यानी कि प्रशिक्षण का उद्देश्य है. ए दिया इंक्रीज्ड मोरल, ठीक है फ्रेंड, यानी कि मनोबल बढ़ाना. बी है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता में वृद्धि. सी है फेवरेबल रिएक्शन टू चेंज यानी कि परिवर्तन के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया. और डी है ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपरोक्त सभी. तो फ्रेंड काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए. आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा. आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ. 81 का आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव यानी कि मनोबल बढ़ाना, है ना, इंक्रीज्ड मोरल, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और फेवरेबल रिएक्शन टू चेंज सभी हैं. तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव. आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. 82 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. द बुक HR चैंपियंस इज ऑथराइज्ड बाय यानी कि पुस्तक HR चैंपियंस द्वारा लिखित है, किसके द्वारा लिखित है. ए है डेव उलरिच, ठीक है. बी है किथ डेविस. सी है कुंटज ओडोनेल. और डी है बेडॉक्स. तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए. आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूं. 82 का आंसर है ए, डेव उलरिच, ठीक है फ्रेंड. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. 83 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल भी है. क्या है, ए दिया ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट. बी दिया ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. सी दिया ह्यूमन रिसोर्स अलाउंस. और डी दिया हाउस रेंट एक्ट. तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए. आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ. इसका आंसर है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है. 83 का आंसर है बी, ठीक है फ्रेंड. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 84 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. विच वन इज द मोटिवेशन थ्योरी यानी कि प्रेरणा सिद्धांत कौन सा है. ए दिया डिमांड थ्योरी यानी कि मांग सिद्धांत. बी दिया री इन्फोर्समेंट थ्योरी यानी कि सुदृढ़ीकरण सिद्धांत. सी दिया ब्रूम्स थ्योरी. और डी दिया ट्रांजैक्शनल एनालिसिस यानी लेन देन विश्लेषण. फ्रेंड्स यदि आपने मोटिवेशन थ्योरी पढ़े रखी होंगी तो आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होगा. फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए. आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूं. 84 का आंसर है सी, ब्रूम्स थ्योरी, ठीक है फ्रेंड. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 85 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. ये एप्टीट्यूड टेस्ट से है. एप्टीट्यूड टेस्ट इंक्लूड्स यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट में शामिल है. ए है इंटेलिजेंस टेस्ट. बी है स्किल टेस्ट. सी है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट. और डी है ऑल ऑफ द एबव. तो फ्रेंड्स वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए. आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा. आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ. 85 का आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है फ्रेंड. सभी एप्टीट्यूड टेस्ट हैं ये. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 86 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है.
फ्रेंड ये जॉब एनालिसिस का क्वेश्चन है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जब आप एचआरएम की तैयारी करना शुरू करें या आप कर रहे हैं तो फ्रेंड जॉब एनालिसिस को जरूर से पढ़ लें, ठीक है फ्रेंड। क्या दिया इन्होंने, ए है जॉब इवैल्यूएशन, बी है परफॉर्मेंस अप्रेजल, सी है जॉब एनरिचमेंट और डी है बार्गेनिंग, ठीक है फ्रेंड। को सौदेबाजी भी कहते हैं, सामूहिक सौदेबाजी, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। 86 का आंसर है ए, यानी कि जॉब एनालिसिस इज द बेसिस फॉर नौकरी विश्लेषण, ऐसे समझ सकते हैं, के लिए आधार है कौन, जॉब इवैल्यूएशन, ये नौकरी का मूल्यांकन, ठीक है फ्रेंड। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 87 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन इंक्लूड्स, ट्रेड यूनियन की बात हो रही है फ्रेंड, ये ट्रेड यूनियन के उद्देश्यों में शामिल हैं कौन है। ए है टू सिक्योर बेटर वेजेस फॉर द वर्कर्स, यानी कि श्रमिकों के लिए बेहतर मजदूरी सुरक्षित करने के लिए, है ना। बी है टू प्रोटेक्ट बोनस ऑफ वर्कर्स, यानी कि श्रमिकों के बोनस की रक्षा के लिए। सी है टू स्ट्राइव फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन, के बेहतर कार्य स्थितियों के लिए प्रयास करना। डी है ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। 87 का आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 88 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ अप्रेजल, किससे क्वेश्चन है ये, अप्रेजल संलिखित में से कौन सी विधि मूल्यांकन की विधि नहीं है, ठीक है फ्रेंड बताइए। ए है स्ट्रेट रैंकिंग, यानी सीधी रेखा, सीधे रैंकिंग, है ना। बी है बार्स, सी है अंडर स्टडी और डी है क्रिटिकल इंसिडेंट। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर बताता हूँ। इसमें से पूछा है कौन सा नहीं है, इसको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड कौन सा नहीं है, अंडर स्टडी, ये तो कुछ है ही नहीं इससे रिलेटेड, है ना। स्ट्रेट रैंकिंग है, सीधे रैंकिंग आता है, बार्स आता है, क्रिटिकल इंसिडेंट आता है, लेकिन अंडर स्टडी नहीं है। तो फ्रेंड आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 89 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, ये स्टाफिंग से रिलेटेड है। स्टाफिंग इंक्लूड, यानी कि स्टाफिंग में शामिल है कौन कौन। ए है वर्कलोड एस्टिमेशन, यानी कि कार्यभार का आकलन। बी है अपॉइंटमेंट्स ऑफ पर्सनल, यानी कि कर्मियों की नियुक्तियाँ। सी है प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, यानी कि, है ना। और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। आई होप कि आपको आंसर पता होगा इसका। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। 89 का है डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 90 क्वेश्चन, विच वन इज ए टाइप ऑफ टेस्ट, कौन सा एक प्रकार का परीक्षण है। तो फ्रेंड ए दिया एप्टीट्यूड टेस्ट, बी दिया पर्सनैलिटी टेस्ट, सी दिया अचीवमेंट टेस्ट और डी है ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, काफ़ी सरल क्वेश्चन है ये, अपना आंसर दीजिए। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर दे देता हूँ। 90 का आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि आपको पता है एप्टीट्यूड भी टेस्ट है, पर्सनैलिटी का भी टेस्ट है और अचीवमेंट भी टेस्ट, ठीक है फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, तो ध्यान से करिएगा। इन्होंने क्या कहा, 91 क्वेश्चन, CII स्टैंड फॉर, इसका अर्थ है, ठीक है। ए दिया इन्होंने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, बी दिया कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, सी दिया क्लासेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और डी दिया सिविलियन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। 91 का आंसर है ए, CII का स्टैंड फॉर क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अपने हिंदी वाले फ्रेंड्स को बता दूँ कि फ्रेंड आप भी इंग्लिश में ही याद कर लीजिएगा इसे, ठीक है। हिंदी से काम नहीं चलेगा एग्जाम में, ठीक है। क्या पढ़ना, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, आप भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। आई होप क्या वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 92 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच एक्ट वाज रिप्लेस्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ठीक है फ्रेंड। ये आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में भी दिया हुआ है,
ठीक है फ्रेंड, और ये आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में ही पढ़ना है। किसके किसको रिप्लेस करके ये लाया गया, आई होप कि आपको पता होगा। फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। आई फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ, 92 का आंसर है बी, MRTP एक्ट। ठीक है फ्रेंड, MRTP का रिप्लेस करके कंपटीशन एक्ट लाया गया। ठीक है फ्रेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 93 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद राइजिंग रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन एंड डिसाइडिंग ऑन द लेवल एंड पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कराधान के माध्यम से राजस्व बढ़ाने और व्यय के स्तर और पैटर्न पर निर्णय लेने से कौन सी नीति संबंधित है। ए दिया मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति, बी दिया फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति, सी दिया कैश पॉलिसी यानी नगद नीति, और नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको मुझे लगता है ये क्वेश्चन पता होगा। फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ, 93 का आंसर है बी, फिस्कल पॉलिसी। कराधान के माध्यम से राजस्व बढ़ाने और व्यय के स्तर और पैटर्न पर निर्णय लेने से कौन सी नीति संबंधित है, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ये फ्रेंड 2018 में भी आया हुआ है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गेट वाज बोर्न इन द ईयर, यानी कि गेट किस वर्ष में आया। ए है 1948 यानी 1948, बी है 1945, सी है 1947 और डी है 1950। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा। अगर आपने UGPG किताबें भी ढंग से पढ़ रखी होंगी ना, तो भी आपको इसका आंसर वहीं मालूम पड़ गया होगा। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ, 94 का आंसर है ए, 1948। ठीक है फ्रेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 95 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है SEZ स्टैंड फॉर, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से लगाइएगा, आई होप कि आपको पता भी हो। ए दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बी दिया स्पेशल एक्सपोर्ट जोन, सी दिया सोशली बैकवर्ड जोन और डी दिया नन ऑफ द एबव। फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता देता हूँ, 95 का आंसर है ए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 96 क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन से, यानी ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू, वैश्वीकरण से तात्पर्य है। ए दिया ए मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, बी दिया लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड, सी दिया लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट और डी दिया ग्लोबल वार्मिंग। फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ, 96 का आंसर है ए, मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 97 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये किससे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से लगाइए क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज कम इनटू फोर्स, यानी कि कब लागू हुआ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। क्या क्या दिया है, ए है 1985, बी है 1986, सी है 1999 और डी है 1989। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से आंसर दीजिए। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर बताता हूँ, 97 का आंसर है बी, 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब फोर्स में आया, 1986 में। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 98 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट वाज द WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, का पूर्ववर्ती क्या था, उससे पहले क्या था वो। ए दिया गेट, बी दिया IMF, सी दिया ADB और डी दिया नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। आइए फ्रेंड्स मैं अपना आंसर देता हूँ, 98 का आंसर है ए। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि गेट को ही तो WTO में कन्वर्ट किया गया, गेट को ख़त्म करके WTO लाया गया, और जबकि IMF जो है वो तो अलग संस्था है। यदि आप इन दोनों के बारे में नहीं जानते तो आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं जाकर, हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी,
आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हमारे दोनों लेक्चर दिए गए हैं, WTO पर भी और IMF पर भी, ठीक है फ्रेंड, उसमें गैट के बारे में भी बताया गया है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 99 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हेन वाज द एग्जिम पॉलिसी अनाउंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, एग्जिम नीति जो थी पहली बार कब घोषित की गई थी। ए है 1947, बी है 1985, सी है 1991 और डी है 1999। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। 99 का आंसर है बी, 1985, 1985, ठीक है। एग्जाम नीति पहली बार कब घोषित करी गई, 1985 में, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज, यानी कि व्यापार का बाहरी वातावरण है। ए दिया फिजिकल, डी दिया डेमोग्राफिकल, सी दिया इकोनॉमिक, डी दिया ऑल ऑफ दीज, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसमें फिजिकल भी आएगा, डेमोग्राफिकल भी आएगा और इकोनॉमिक भी आएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको हमारा आज का लेक्चर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप ये भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए, ताकि हमें मालूम पड़े कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।